नमस्ते एवरीवन, आज हम बना रहे हैं गोभी की कढ़ी। ये बहुत इजी रेसिपी है और बनाने में तो काफ़ी सिंपल है। आप इसको राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं। सबसे पहले हम फूल गोभी को काट लेंगे। इसको आप बड़े बड़े फ्लोरेट्स में काटें और गर्म पानी में इसको डिप करके रख देंगे 10 से 15 मिनट्स तक। और 10 से 15 मिनट के बाद इसको निकाल के अच्छे से ठंडे पानी से रिंस कर लें। इसके लिए हम बड़े साइज का प्याज चॉप कर लेंगे। प्याज के साथ हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डालेंगे। अब तड़के के लिए हम ले लेंगे राई, जीरा और धनिया और एक सूखी लाल मिर्च। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसमें सारे हम सीड्स डाल देंगे। जब ये हल्के से क्रैकल होने स्टार्ट हो जाएं उसमें हम डाल देंगे अपना चॉप करा हुआ प्याज। और प्याज को हमने तब तक भूना है जब तक ये हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी, अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। इसको 1 से 2 सेकंड तक सौटे करेंगे जब तक हल्दी की स्मेल डिसअपेयर ना हो जाए। और उसके बाद हम डाल देंगे अपना गोभी जो हमने पानी से साफ करा हुआ है। गोभी को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम गोभी को कवर कर लेंगे और इसको हमने कुक कर रहे हैं जब तक ये गोल्डन ना हो जाए और 80% कुक ना हो जाए। जब तक हमारा गोभी बन रहा है तब तक हम दही में बेसन, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप हल्का सा पानी भी इसमें ऐड कर दें जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। गोभी को हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना है और हिलाते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुक है तो इसमें आप अपना दही वाला मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको हमने तब तक हिलाना है जब तक इसको एक बॉयल ना आ जाए। अब इसमें हम हल्का सा और पानी ऐड करेंगे और इसको हमने 15 से 20 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम तक हमने कुक करना है। एक बार ये अच्छे से कुक हो जाए इसमें हम डाल देंगे हींग, कसूरी मेथी और मैगी मसाला और अच्छे से हिला लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए थी वैसी आ गई है तो ये रेडी है। अब हम इसको एक तड़का देंगे। तड़के के लिए हम घी गरम कर लेंगे। जब हमारा घी गरम हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे चॉप करा हुआ लहसुन और हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च और करी लीव्स। और जब ये करी लीव्स हमारे हल्के से क्रैकल करें आप इसको कढ़ी के ऊपर पोर कर सकते हैं। और हमारी कढ़ी रेडी है। आप इसको राइस रोटी के साथ खा सकते हैं।